नमस्कार, माई सेल्फ मंजू सुथार, लेक्चरर, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग, गवर्नमेंट वुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। बच्चों, आज हम डीजीसी कोड नंबर CD20A के टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है। हमारे जो ड्रेस कोड होते हैं, उसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं, कैजुअल वियर और फॉर्मल वियर, जिसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं कि कैजुअल वियर क्या होते हैं और फॉर्मल वियर क्या होते हैं। बच्चों, इनको हम एक डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस देखते हुए स्टडी करेंगे, ताकि दोनों के डिफरेंस को भी समझ जाए और दोनों का कंपैरिजन भी कर लें साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कैजुअल वियर। देखिए, जो कैजुअल वियर कपड़े होते हैं, वो हमारे डेली वियर के कपड़े होते हैं, यानी जो हम रोजाना के पहनने में काम में लेते हैं, वो हमारे कैजुअल वियर वाले कपड़े होते हैं। जो कैजुअल वियर जो हमारे गारमेंट्स होते हैं, उनको हम शॉपिंग पर जाते वक्त या ट्रेवलिंग में भी पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। कैजुअल वियर जो होते हैं, वो हमारे फिजिकल मूवमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, यानी इनको पहनकर हम कोई भी शारीरिक गतिविधि वाला काम आसानी से कर सकते हैं। हमारे शरीर जो है, वो पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में रहता है। किसी भी तरह को उनको पहनने के बाद हमें किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं फील होता है। बहुत ही कंफर्टेबल गारमेंट्स होते हैं, और इनको बनाने के लिए जो फैब्रिक काम में लिए जाते हैं, वो भी इस तरह के होते हैं कि जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से कंफर्ट जोन में रहे। जैसे कौन कौन से फैब्रिक काम आते हैं कैजुअल वियर बनाने में, कॉटन, जर्सी, डेनिम, पॉलिएस्टर और फ्लानेल, ये मेन फैब्रिक हैं, वो कैजुअल वियर के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो जो कैजुअल वियर्स में आता है, वो है, इसका सबसे सटीक एग्जांपल अगर देना चाहूं तो जीन्स टी शर्ट। ठीक है, इसको हम इजीली डेली वियर में या फिर ट्रेवलिंग में या शॉपिंग में कहीं पर भी जाते वक्त पहनना पसंद करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी समर ड्रेसेस जो होती हैं, वो भी कैजुअल वियर में ही काउंट होती है। अगर एसेसरीज के बारे में बात करें, तो जो हमारे स्नीकर्स, लोफर्स, जो घर में पहनने वाली चप्पल होती है या सैंडल्स जो होते हैं, ये जो फुटवियर है, वो सारे कैजुअल वियर के साथ में कैरी किए जाते हैं। तो आई थिंक आपको कैजुअल वियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मल वियर क्या होता है। देखिए, फॉर्मल वियर ये वो कपड़े होते हैं जो हम किसी पार्टी में या फंक्शन में जाते वक्त, या हमारे जो ऑफिशियल इवेंट होते हैं, ऑफिस रिलेटेड जो जॉब्स वगैरह पे हम जाते हैं, तो उस वक्त जो हम कपड़े पहनते हैं, वो हमारे फॉर्मल वियर में आते हैं। फॉर्मल वियर जो मेनली होते हैं, उसमें कंफर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि ये ध्यान रखा जाता है कि ये कपड़े हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, यानी कहीं पर भी हम जाएं तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाए हमारा। ठीक है, तो इस तरह के कपड़े होते हैं फॉर्मल वियर। इसके अलावा ये हमारे फिजिकल मूवमेंट में भी बहुत हेल्पफुल नहीं होते हैं। जैसे आपने कोई पार्टी वियर ड्रेस पहन रखी है, तो आप उसको पहन करके कोई भी शारीरिक गतिविधि वाला काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। अब इसको बनाने में फैब्रिक जो काम में लिए जाते हैं, वो मेनली है साटिन, वेलवेट, सिल्क और ब्रॉकेट। ये वो फैब्रिक है जिनको हम फॉर्मल वियर बनाने में जनरली काम में लेते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें, तो जो पार्टी वियर गाउन्स होते हैं, लॉन्ग गाउन्स होते हैं, या पार्टी वियर लहंगा ड्रेसेस जो होती हैं, ये फीमेल फॉर्मल वियर के एग्जांपल है। जेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो जेंट्स के जो टू पीस थ्री पीस सूट्स होते हैं, टाइज होती हैं, जिनके साथ में जो ऑफिशियल पार्टीज में या फिर फंक्शंस में पहने जाते हैं, वो फॉर्मल वियर के अंदर आते हैं। फॉर्मल वियर में अगर हम एसेसरीज के बारे में बात करें, तो एसेसरीज में आती है हमारी टाई, जेंट्स के लिए ब्लैक शूज, इसके अलावा ग्लव्स भी हैं, वो इसमें आ रहे हैं, इसके अलावा स्टड्स, कफलिंक्स वगैरह जो ये एसेसरीज हैं, वो फॉर्मल वियर के साथ में कैरी की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैजुअल वियर और फॉर्मल वियर। अब थोड़ा इनके डिफरेंस पर नजर डाल लेते हैं। कैजुअल वियर हमारे डेली वियर क्लोथ्स हैं, फॉर्मल वियर हमारे पार्टी वियर या ऑफिशियल इवेंट्स में पहने जाने वाले कपड़े हैं। डेली वियर को हम शॉपिंग और ट्रेवलिंग में भी पहन सकते हैं। कैजुअल वियर काफी कंफर्टेबल होते हैं, और फॉर्मल वियर जो होते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। कैजुअल वियर में फिजिकल मूवमेंट इजीली किया जा सकता है, बल्कि जबकि फॉर्मल वियर जो होते हैं, वो हमें फ्रीली फिजिकल मूवमेंट करने में हेल्प नहीं करते हैं, हमारी शारीरिक गतिविधियों में रोकथाम लगाते हैं ये।
बनाने में जो फैब्रिक काम में लिया जाता है कैजुअल वियर को, कॉटन, जर्सी, डेनिम, पॉलिएस्टर एंड फ्लानेल। और फॉर्मल वियर बनाने में जो फैब्रिक काम में आता है वो है साटिन, वेलवेट, सिल्क, ब्रॉकेट एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स जीन्स, टी शर्ट, समर ड्रेसेस, ये हमारे कैजुअल वियर के एग्जाम्पल है। और लॉन्ग गाउन, जेंट्स टू पीस, थ्री पीस सूट्स वगैरह जो है वो हमारे फॉर्मल वियर के एग्जाम्पल है। कैजुअल वियर में जो एसेसरीज आती है वो है स्नीकर्स, लोफर्स, सैंडल्स, चप्पल्स एक्सेट्रा। और वहीं फॉर्मल वियर में जो एसेसरीज आती है उनमें टाई, बेल्ट, ब्लैक शूज जेंट्स के लिए, ग्लव्स, स्टड्स, कफलिंग्स एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो दो मेन ड्रेस कोड होते हैं कैजुअल वियर फॉर्मल वियर वो क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।